अपने कुछ भाई मस्ती कर रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई? तो फाइनली गाइस हम लोग कालका पहुंच चुके हैं। जर्नी हमारी नेताजी एक्सप्रेस की बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी नींद आई। स्लीपर में था हमारा, स्लीपर कोच था हमारा, तो नींद बहुत अच्छी रही है। तो अब चलते हैं अपना वहां जहां हमारी टॉय ट्रेन मिलेगी, तो स्टेशन से हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी नेताजी एक्सप्रेस, अब हमें यहाँ से पैदल चलना है। टॉय ट्रेन का जो स्टेशन है वो थोड़ा आगे है, चलते हैं। तो गाइस ये है कालका रेलवे स्टेशन, इधर अपनी ये खड़ी है नेताजी एक्सप्रेस, एंड ये है आपका टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन। तो ये आपकी टॉय ट्रेन खड़ी हुई है, ये रही। तो गाइस ये अपना टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर, हमारी जो टॉय ट्रेन की जनरल टिकट है वो हमें यहीं से मिलेंगी। तो गाइस मैं अपने टॉय ट्रेन की टिकट ले चुका हूँ, जिसका प्राइस है 70 रुपीज पर पर्सन। तो हम 7 लोग हैं, तो मैंने 7 टिकट लिए हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखते हैं जगह मिलती है नहीं मिलती, चलते हैं। अगर आप नेताजी एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं ये ट्रेन निकल जाएंगी, ये ट्रेन आपका वेट करेंगी। चाहे आपकी ट्रेन कितनी भी लेट क्यों ना हो, 1 घंटे 2 घंटे जितनी भी आपकी ट्रेन लेट होगी, ये ट्रेन आपका सब वेट करेंगी। तो जिस मतलब जो कनेक्टिविटी है नेताजी एक्सप्रेस से, ये उसी टाइम लेवल के हिसाब से चलती हैं। कालका से शिमला के लिए आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाएंगी, उन सबकी ट्रेन की टाइमिंग मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो गाइस ये अपना सिटिंग एरिया है, मतलब आपको अगर वेट करना है तो आराम से आप बाहर बैठ के वेट कर सकते हैं टोटली, और आगे भी आपका बहुत है सिटिंग एरिया। गाइस ये है हमारी वो टॉय ट्रेन जो हमारी कालका से शिमला की जर्नी होने वाली है, जिससे फिलहाल हमें सीट मिल चुकी है इसमें, एंड टोटल ये सारे जनरल कोच हैं। इसका टाइम सुबह 8:15 का है, तो फिलहाल अभी ये भी लेट है, ये चलेगी आपकी 10 बजे। तो फिलहाल जी अभी थोड़ा पैसेंजर का वेट कर दिए। तो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन, हमारी टॉय ट्रेन यहाँ से मूव हो चुकी है। ये है हमारा कालका रेलवे स्टेशन, ये है हमारा जनरल कोच जिसमें हम जा रहे हैं, ये हमारी सीट है, ये बैठा हुआ है अभी, तो ये हमारी सीट है, यहाँ मैं बैठा हुआ हमारा जनरल कोच है। गेज है, एक ब्रॉड गेज होती है जो अपनी नॉर्मल ट्रेन होती है, इसमें हम आते हैं, एंड ये आपकी नैरो गेज है। गाइस हमारा फर्स्ट रेलवे स्टेशन आ चुका है, जिसका नाम है टकसान। तो गाइस ये हमारी फर्स्ट टनल। अगर आपको किसी भी तरीके कोई दिक्कत है तो आप गाड़ी को रुकवा भी सकते हैं, स्विच को दबा के गाड़ी रुकने के लिए बटन दबाएं, आप ये स्विच दबाएंगे तो गाड़ी रुक भी जाएगी। गाइस एक रेलवे स्टेशन और आ गया, इसका नाम है गुम्मन। तो हम पहुंच चुके हैं गुम्मन। तो गाइस व्यू जो आ रहा बहुत सॉलिड है, बहुत बेहतरीन है, कैसा लग रहा है अंकित भैया? एकदम सॉलिड भाई, क्या व्यू है देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़।
भाई जन्नत लगती है ऐसी जगह तो आने में। एंड नीचे खाई, बीच में फंसे हम सब भाई। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो ये है हमारी टॉय ट्रेन, इसमें टोटली सारे डिब्बे जनरल के हैं। मैं भी आ चुका हूँ। बाय। तो गाइस ये सबसे लंबी टनल है, टनल नंबर 33। इसके ऊपर एक हिस्ट्री है, वो अभी मैं टनल से बाहर निकलने के बाद बताता हूँ। तो गाइस ये जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बड़ोग है, जो कि यहाँ के इंजीनियर थे उनके नाम पे रखा गया है। एंड मैं इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। बड़ोग जो थे वो यहाँ के इस मतलब जो हमारी अभी टनल पड़ी थी, सबसे बड़ी टनल पड़ी थी 33, उसके इंजीनियर थे। तो उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मतलब काम मिला था उनको, दोनों साइड से जो टनल का जो मतलब वो है उसको मिलाना था, तो वो मिला नहीं पाए, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे उनको काम से निकाल दिया। एंड उन्होंने इसलिए इस चक्कर में सुसाइड कर ली, जिसकी वजह से इस जगह का नाम एंड उस टनल का नाम उनके नाम से रखा गया है, बड़ोग। ये अपनी शिवालिक एक्सप्रेस जो कि सुबह 5:00 पर चलती है। फिलहाल अब ये जा रही है वापस। तो ये आ रही है हमारी रेल मोटर, इसको आप पर्सनल बुक कर सकते हैं, मतलब पूरी फैमिली वगैरह तो आप इसको बुक कर सकते हैं। इसका खुद का इंजन है एंड इतना ही बड़ा है। तो अब ये जा रही है कालका, करते बुक यहाँ चलने चने। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग शिमला पहुंच गए। आई होप कि आप लोग जर्नी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।